वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो मे सन्निधत्ताम सदा हृदि। अभी हम 21वां श्लोक से 25वां श्लोक तक हम देखने वाले हैं हयग्रीव स्तोत्र में। जो पांच पांच श्लोकों की श्रृंखला चल रही है उसमें ये पांचवां श्रृंखला है। श्लोक पढ़ता हूँ, 21वां श्लोक। परिस्फुरन्नुपुरचित्रभानुप्रकाशनिर्धूततमोऽनुषङ्गां पदद्वयीं ते परिचिन्महेन्तः प्रबोधराजीव विभात सन्ध्याम्। और एक बार पढ़ता हूँ। परिस्फुरन्नुपुरचित्रभानुप्रकाशनिर्धूततमोऽनुषङ्गां पदद्वयीं ते परिचिन्महेन्तः प्रबोधराजीव विभात सन्ध्याम्। पदच्छेद करता हूँ। परिस्फुरत नूपुर चित्रभानु प्रकाश निर्धूत तमोनुषंगाम पदद्वयीम ते परिचिन्महे अंतः प्रबोध राजीव विभात संध्याम। ऐसा पदच्छेद है। परिस्फुरत ऐसा पहला शब्द है। परिस्फुरत का मतलब अत्यंत स्फूर्तिदायक, परिस्फुरत दूसरा मतलब प्रकाशित, चमकने वाला, ऐसा मतलब है। परिस्फुरत चमक रही है ऐसा जो नूपुर चित्रभानु प्रकाश निर्धूत तमोनुषंगाम। ये जो शब्द है आगे आने वाला पदद्वयीम स्त्रीलिंग शब्द का विशेषण है। दोनों चरणारविंद ऐसा शब्द के लिए पदद्वयी शब्द का प्रयोग इधर किया गया है। वो पदद्वयी कैसा है कि उसके लिए एक विशेषण दे रहे हैं, नूपुर चित्रभानु प्रकाश निर्दूत तमोनुषंगाम। ऐसा नूपुर चित्रभानु, नूपुर यानि भगवान अपने चरणारविंद में जो पायल पहने हैं या अथवा श्रृंगार के लिए जो बहुत बड़ा नूपुर पहने हैं, बड़ा पायल को नूपुर शब्द से कहते हैं। छोटा है तो उसको पायल शब्द से हिंदी में बोल सकते हैं, थोड़ा बड़ा है तो हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं है, इसलिए मैं बड़ा पायल शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। और जो परिस्फुरन नूपुर चित्रभानु, ये नूपुर कैसा चमक रहा है, परिस्फुरत जो नूपुर चित्रभानु, नूपुर नूप अर्थात पायल जो भगवान के चरणारविंद में जो श्रृंगार के लिए आभूषण के रूप से विराजमान जो पायल है वो सूर्य। चित्रभानु शब्द का मतलब है सूर्य है। सूर्य के प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है अर्थात जो पायल का प्रकाश है वो उसे कंपेयर करते हैं, उसे तुलना करते हैं कि सूर्य का प्रकाश के समान विराजमान जो नूपुर का प्रकाश है उस प्रकाश से अपने अज्ञान अंधकार को दूर करते हैं। प्रकाश निर्धूत है, निर्धूत है दूर किया हुआ तमोनुषंगाम, अज्ञान अंधकार का एक बहुत बड़ा समूह है हमारे हृदय में, हमारा जो आत्मा है उसमें अंधकार भरा हुआ है, वो अंधकार से आत्मा भरी हुई है। अर्थात उस आत्मा को चमकाने के लिए भगवान अपने चरणारविंद में नूपुर पहनकर उसकी तेजस के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर अपने हृदय में रहने वाला अंधकार को दूर करते हैं। जैसे टॉर्च लाइट डालकर हम अंधकार को दूर करके हम चीजों को देखते हैं, उसी प्रकार भगवान अपने नूपुर के प्रकाश के द्वारा अपने हृदय में रहने वाला, मानवों के हृदय में रहने वाला अज्ञान अंधकार को दूर करते हुए प्रबोध राजीव विभात संध्याम। इतना ही नहीं है, तमोनुषंगा अर्थात नूपुर परिस्फुरन नूपुर चित्रभानु प्रकाश की वजह से अर्थात नूपुर के नूपुर सूर्य किरण के समान विराजमान अपने नूपुर के प्रकाश से अंधकार को दूर करके करना एक काम है और पायल काम दूसरा है प्रबोध राजीव विभात संध्याम। ज्ञान रूपी जो
कमल है, ज्ञान को कमल के साथ अगर जुड़ा जाए तो उसको खिलाने के लिए भी सूर्य किरण काम करता है। यानी अंधकार को दूर करना एक काम है सूर्य किरण का, और दूसरा काम है कमल का, राजीव का मित्र है वो। राजीव शब्द का मतलब है कमल है, राजीव का मित्र है सूर्य, क्योंकि सूर्य किरण से कमल खिलता है। इसलिए इधर दूसरा काम है इस चरणारविंद में रहने वाला सूर्य किरण के समान विराजमान नूपुर का दो काम है, एक अंधकार को दूर करना जिस प्रकार सूर्य किरण अंधकार को दूर करता है वैसे, और एक काम है कमल को खिलाने जैसा अपने प्रबोध रूपी ज्ञान रूपी जो कमल है उसको खिलाकर विभात संध्याम, यानी उस प्रकार रहने वाला एक प्रातःकालीन संध्या काल के समान विराजमान ते पदद्वयी आपके चरणारविंद का द्वंद्वों को अंतः परिचिन्महि अपने हृदयारविंद में परिचय करते हैं। हम परिचय करना का मतलब है बार बार चिंतन करना, और बार बार हम उस चरणारविंद को हम ध्यान करते हैं जिस में रहने वाला पायल भगवान का आभूषण रूपी जो पायल है वो अपने सूर्य किरण के समान विराजमान प्रकाश के द्वारा हृदय में रहने वाला अंधकार को दूर करते करते और ज्ञान रूपी प्रबोध रूप ज्ञान रूपी अर्थात प्रबोध रूपी राजीव कमल को भी खिलाते हुए हम विराजमान जो चरणारविंद में रहने वाला नूपुर अथवा नूपुर सहित जो चरणारविंद द्वंद्व है उनको हम सदा के लिए अपने हृदयारविंद में परिचय करते हैं, ध्यान करते हैं, ऐसा मतलब है इस श्लोक का। कितना सुंदर भाव खुलता है देखिए, और अपने हृदय भी खिलता है, हृदयारविंद भी खिलता है और भाव भी खुलता है। परिस्फुरन नूपुर चित्र भानु प्रकाश निर्धूत तमोनुषंगाम पदद्वयीं ते परिचिन्महेन्तः प्रबोध राजीव विभात संध्याम त्वत्किंकरालंकरणोचितानां त्वयैव कल्पांतरपालितानां मञ्जुप्रणादं मणिनूपुरं ते मञ्जूषिकां वेदगिरां प्रतीमहां। त्वत्किंकरालंकरणोचितानां मञ्जुप्रणादं पदच्छेद करते हैं, त्वत्किंकरालंकरणोचितानां त्वयैव त्वया एव कल्पांतरपालितानां मञ्जुप्रणादं मणिनूपुरं ते मञ्जूषिकां वेदगिरां प्रतिमहा। वेद अनादि बोला जाता है, वेद का प्रणयन कोई नहीं किया है, अपौरुषेय माना जाता है। पूर्व कल्प में जो वेद था उसी वेद को इस कल्प में भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश देते हैं, तब तक उसे प्रलय के समय में सुरक्षित रखते हैं। कहाँ सुरक्षित रखते हैं उसका का उस विषय में यहां प्रकाश डालते हुए इस श्लोक में वेदांत देशिक जी कहते हैं। और सातों सात और नूपुर में रहने वाला जो अंदर रहने वाला जो मणि है अर्थात रत्न है उसका भी वर्णन सातों सात होता है। उसमें रहने वाला जो मणि है नूपुर में अंदर रहने वाला जो रत्न है उसका आवाज तो वेद की आवाज जैसी आवाज है, इसलिए वो वेद का ही आवाज है। और वेद अपौरुषेय, वेद को कल्पांत में अर्थात प्रलय के समय में कहाँ सुरक्षित रखते हैं कि अपने नूपुर में सुरक्षित शायद रखते होंगे, ऐसा उल्लेख ऐसा ऐसी उपेक्षा के साथ उल्लेख करते हैं इस श्लोक में। देखिए कितना एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। मंजुप्रणादम बहुत सुंदर धीरे धीरे आवाज करने वाला, ते नूपुरम ते मणि नूपुरम आपका जो रत्न झटित जो नूपुर है पायल है वो त्वत्किंकरालंकरणोचितानां वेदगिराम, ये वेदगिराम का एडजेक्टिव है। त्वत्किंकर है आपका जो दास लोग हैं दास जन हैं उनको सदा के लिए अलंकृत करता है, क्योंकि वो कंठाभूषण रहता है उनके लिए, कंठ में सदा के लिए वेद मंत्रों को रखने वाले जो उत्तम वेदाधिकारी हैं और वेद का अध्ययन करने वाले लोग हैं, वेद वेदांगों को अध्ययन करने वाले लोग हैं अर्थात वो आपके किंकर होते हैं, वेदवाणी के भी किंकर होते हैं, भगवान के स्तुति करने वाले होते हैं,
एक एक वेद का अक्षर भी बोला जाता है तो भगवान का नाम बोला जाता है, ऐसा उसका मतलब है। इसलिए त्वत् किंकर अपने कंठ में सदा के लिए अलंकार करने के लिए उचित जो वेदवाणी है, और त्वयैव आपी के द्वारा कल्पांतर पालिता नाम, कल्पांतर से दूसरे कल्प से अभी तक पालित जो सुरक्षित है प्रलय समय में, ऐसे वेदवाणियों का मंजूषिका रत्नपेटी है आपका जो नूपुर है। आपका नूपुर को सामान्य समझना नहीं है, वो नूपुर ऐसा लोग समझ रहे हैं, वस्तुतः वो नूपुर नहीं है। उन वेदवाणियों को अर्थात प्रलय के समय में सुरक्षित रखने वाले वेदवाणियों का एक अलंकार अर्थात आभूषण की पेटिका है, आभूषण की एक मंजूषिका है। मंजूषा का मतलब है एक रत्न रखने वाले एक सुंदर आभूषण की पेटी को हम मंजूषिका शब्द से कहते हैं। मंजूषिका मरकतम, ऐसा भगवान को खुद वेदांत देशिक जी वरदराज स्तव वरदराज पंचाशत में मंजूषिका ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं वरदराज भगवान के लिए। मंजूषायाम मरकतम इव ब्राजमानम तदंतः, ऐसा इधर और रंगनाथ जी के लिए भी प्रयोग करते हैं। ये जो शेषपीठ है उसके अंदर विराजमान भगवान कैसे विराजमान है प्रणवाकार विमान के अंदर, वो मंजूषायां मरकतमिव ब्राजमानं तदंतः चेतो धावत्युपहित भुजं शेषभोगे शयानं दीर्घापांगं जलधितनया जीवितं देवमाद्यं, ऐसा रत्नपेटी का वर्णन कई जगह पे वेदांत देशिक जी कहते हैं। ये नूपुर भी रत्नपेटी का है जहाँ वेदवाणी रूपी अमूल्य तत्व रखी गई है, जिसकी ही आवाज ये मणिनूपुर का मंजू आवाज है, बहुत सुंदर मीठा आवाज है, ऐसा इधर उल्लेख है कि वो उसे नूपुर को नूपुर के रूप से मत देखें, नूपुर को एक रत्न पेटिका के रूप से देखें। वो रत्न और कुछ नहीं है, ये वेदवाणी रूपी रत्न है, ऐसा वो भी उसमें इसलिए उसमें भी आवाज आती है और नूपुर में वो वेदवाणी की आवाज है। और जो कंठभूषण रहता है ब्राह्मणों के सदा के लिए आपके कंठ अपने कंठ को भूषित करने वाले जो ब्राह्मण लोग हैं उनके कंठभूषण एक कंठाभरण के रूप से विराजमान है। जो भगवान का में रहने वाला जो शब्द है वो ब्राह्मणों के कंठाभूषण बनना है तो कितनी बड़ी बात है, और इसलिए तड़पन रखते हैं वेद मंत्रों को उच्चारण करने के लिए ब्राह्मण लोग। भले दक्षिणा मिले या ना मिले, वेदवाणी को बोलने के लिए ब्राह्मण तत्पर इसलिए होते हैं क्योंकि वो चरणारविंद में रहने वाला नूपुर की आवाज़ को अपने कंठभूषण के रूप से रख लेना ब्राह्मणों का उचित काम है, ऐसा वर्णन इस श्लोक में मिलता है कि परिस्फुरन नूपुर त्वत्किंकरालंकरणोचितानां त्वयैव कल्पांतर फलितानां मंजु प्रणादम मणिनूपुरम ते मंजूषिकां वेदगिरां प्रतिमहां। चित्ते करोमि स्फुरिताक्षमालं संचिन्तयामि प्रतिभादशास्थान् संधुक्षयन्तं समयप्रदीपान् विज्ञानकल्पद्रुमपल्लवाभं व्याख्यानमुद्रामथुरंकरन्ते। गलत बोला हूँ, फिर से एक बार बोलता हूँ। संचिन्तयामि प्रतिभादशास्थान् संधुक्षयन्तं समयप्रदीपान् विज्ञानकल्पद्रुमपल्लवाभं व्याख्यान मुद्रा मधुरम करम ते। सबसे बहुत बेहतरीन श्लोक माना जाता है और बहुत सुंदर ढंग से एक उत्प्रेक्षा किए हैं कि आप सब भी अचंभित हो जाएंगे इस श्लोक का भाव को सुनकर, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और जिसे ध्यान करने की जिस श्लोक का अर्थ को हम ध्यान करेंगे तो भी हमें इतना आनंद होगा, इतना आनंद होगा कि कोई हद नहीं। देखिए, सुनिए इस श्लोक का भावार्थ। पदच्छेद करता हूँ पहले आपकी सुविधा के लिए। संचिन्तयामि प्रतिभादशास्थान् संधुक्षयन्तं समयप्रदीपान् विज्ञानकल्पद्रुमपल्लवाभं व्याख्यानमुद्रा मधुरं करं ते। ऐसा पदच्छेद है, एक पद है। देखिए इसका भावार्थ देखेंगे, बहुत संतोषजनक श्लोक है जिसका भावार्थ को सुन के इतना आनंद आता है लोगों को। प्रतिभादशास्थान समय प्रदीपान संधुक्षयंतम
विज्ञान कल्पद्रुम पल्लवाभम व्याख्यान मुद्रा मधुरम ते करम संचिंतयामि। आपका जो करारविंद है, अभी तक चरणारविंद की विंद और उसमें रहने वाला नूपुर का वर्णन हुआ, अभी करारविंद का वर्णन हो रहा है। और करम किस प्रकार के आपके आपके करकमल हैं, ये व्याख्यान मुद्रा मधुरम ते करम। व्याख्यान मुद्रा ऐसा एक मुद्रा है जिसे जिसमें बड़ा अंगूठा और जो दूसरा अंगूठा दोनों को मिलाकर और बाकी तीन उंगलियों को और सीधा रखकर जो मुद्रा है उसको व्याख्यान मुद्रा ऐसा बोलते हैं। कभी कभी वेदांत देशिक जी इस मुद्रा में दर्शन देते हैं। और यद्यपि रामानुजाचार्य जी का जो करकमल हस्त अंजलि मुद्रा में है, कभी कभी कहीं ना कहीं एक जगह पे व्याख्यान मुद्रा से भी विराजमान है कि वेदांत देशिक जी का भी तूपुल में जो अवतार स्थल है वहाँ दोनों हाथ अंजलि मुद्रा में है, कुछ जगह पे व्याख्यान मुद्रा में है। वो व्याख्यान मुद्रा जो है वो हयग्रीव भगवान के चारों हाथों में एक हाथ में हयग्रीव भगवान के लिए ये व्याख्यान मुद्रा है। ये व्याख्यान मुद्रा को देखकर एक उत्प्रेक्षा करते हैं, एक भाव हृदय में पैदा होता है, एक नया तत्व। अभी तक कोई कवि शायद ही बताया होगा, बाद में भी अभी कोई इसका दोहराने का काम भी कोई नहीं किया है, तो ये उत्प्रेक्षा है उसमें। देखिए मैं उसका विस्तार से वर्णन करता हूँ। ते व्याख्यान मुद्रा मधुरम ते करम संचिंतयामी। मैं अक्सर सोचता हूँ कि आपका जो व्याख्यान मुद्रा की वजह से जो मधुर है, बहुत सुंदर ऐसा जो आपका करकमल है, उसको मैं संचिंतयामी ध्यान से ध्यान में देखता हूँ, सदा के लिए सोचता हूँ वो करारविंद कैसा है। उसके लिए कहते हैं कल्पद्रुव पल्लवाभम, कल्पद्रुम पल्लवाभम। कल्पवृक्ष का जो कल्पद्रुम यानी द्रुम शब्द का मतलब वृक्ष है, कल्पद्रुम का मतलब ये कल्पवृक्ष है। कल्पवृक्ष का जो किसलय है, पल्लव है, जो नए नए पत्ते हैं, उस वो जिस प्रकार रेड्डिश रहेगा उसी प्रकार रेड्डिश जो शोभा है, ऐसे शोभा देने वाली अर्थात कल्पद्रुम कल्पवृक्ष के जो नए नए पत्ते हैं उसके समान रहने वाले जो आपका करारविंद है, ऐसा एक विशेषण है। कल्पद्रुम पल्लवाभम व्याख्यान मुद्रा मधुरम ते करम, ऐसा रहने वाला आपका जो करकमल है उसको संचिंतयामी। और एक विशेषण है विज्ञान कल्पद्रुम पल्लवाभम, ज्ञान के लिए ज्ञान का वितरण करने कल्पवृक्ष क्या करता है, जो हम चाहते हैं वो सब दे देता है, वही कल्पवृक्ष का स्पेशलिटी है। जो कल्पवृक्ष इंद्रलोक में विराजमान है, वैसे आपका जो हाथ है व्याख्यान मुद्रा से मधुर जो हाथ है वो भी भक्तों के लिए सब कुछ ज्ञान को प्रदान करने वाला है, हर प्रकार के ज्ञान को प्रदान करने वाला है। हयग्रीव भगवान से वितरित ज्ञान सब्जेक्ट की वजह से सब्जेक्टिव नहीं रहता है, कंप्लीट विषयों को ऑब्जेक्ट बना सकता है ऐसा है। क्योंकि मैं तो एमए किया हूँ भाई, संस्कृत में एमए किया हूँ, उसमें भी व्याकरण में ही मैं निपुण हूँ, मैं तो केवल न्यायशास्त्र जानता हूँ, मैं तो केवल धर्मशास्त्र जानता हूँ, ऐसा ज्ञान नहीं है। भगवान हयग्रीव भगवान जो ज्ञान वितरण करते हैं वो सर्वपतीन होता है। एक कवि ने तो यहाँ तक कह दिया है ज्ञानम सर्वपतीनम चेत तद्धेतुश्चेत हयाननः सचेत भक्त पराधीनः तं विना कम नमाम्यहम्। ऐसा हयग्रीव भगवान ज्ञान प्रदान करने वाली जो देवता है वो ज्ञान को किस प्रकार का ज्ञान को वितरण करता है, सर्वपतीन ज्ञान को वितरण करने वाला है। अर्थात ज्ञान है तो सर्व वस्तु विषय के ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं, बाकी ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते हैं। मैं साइकोलॉजी में PhD किया हूँ तो क्या हुआ, न्यायशास्त्र जानते हो नहीं, या तू एस्ट्रोलॉजी जानते हो नहीं, एस्ट्रोनॉमी जानते हो नहीं, ऐसी परिस्थिति है तो उसको ज्ञान नहीं बोला जाता है, क्योंकि वो ज्ञान केवल सब्जेक्टिव रहता है कि हम उदर पोषण करने के लिए केवल मास्टर डिग्री करते हैं, ये हालत हो जाएगा।
ज्ञान तो सर्व वस्तु विषय का होता है, वो हयग्रीव भगवान वितरण करते हैं। ऐसा विज्ञान कल्पद्रुम पल्लवाभम ते मधुरम व्याख्यान मुद्रा मधुरम ते करम। व्याख्यान मुद्रा का मतलब ही यही है कि जो विषय समझ में नहीं आता हो उसको इस मुद्रा से अगर भगवान हयग्रीव भगवान उद्बोधित करें, संबोधित करें, तो वो सब स्पष्ट हो जाता है। ऐसा व्याख्यान मुद्रा कभी कभी आचार्य लोग भी ऐसी मुद्रा में ज्ञान प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा विज्ञान कल्पद्रुम पल्लव के समान आभा शोभा रहने वाला व्याख्यान मुद्रा ते मधुरम करम। इतना ही नहीं, प्रतिभा दशास्थान समय प्रदीपान, और मेधारूपी जो यानी एक दीप को प्रकटन करना है तो क्या क्या चाहिए कि उसके लिए हमें पहले पहल दीप को प्रकट करने के लिए कपास से बनाया हुआ एक एक उपकरण चाहिए। सो और वो है प्रतिभा दशास्थान। मेधावी जो मेधा है, मेधा यानी प्रज्ञा है, और प्रतिभा शब्द से भी कहा जाता है। प्रतिभा दशास्थान, प्रतिभा मेधा रूपी जो दशा है, दशा शब्द क्या बोलते हैं उसको, और दिवेट गुजराती में दिवेट बोलते हैं, आप भी उसे समझ लेना। और उसे क्या करते हैं, थोड़ा अपने अंगुली से और उसको आगे का भाग को हम एक बार उसको प्रदीपन करने के पहले एक बार उसको थोड़ा दार बनाते हैं, यानी उसके उसको हम एक दोनों उंगलियों से उसको सीधा करते हैं। वो सीधे करने का जो व्यापार है वही है अंगुली में रहने वाला जो दोनों अंगुलियों को साथ में रखते हुए व्याख्यान मुद्रा का भाव है। व्याख्यान मुद्रा क्या करती है कि सामने उपस्थित व्यक्तियों को ज्ञान प्रदान करता है। ज्ञान तो एक प्रदीप है, और उस ज्ञान प्रदीप में तो दशा है, दशा यानी वो कपास से निर्मित उपकरण है, और उसको हम दोनों उंगलियों से जिस प्रकार हम सीधा करते हैं उसी प्रकार व्याख्यान मुद्रा के द्वारा सीधा बनाते हुए भगवान शायद व्याख्यान मुद्रा में दिखाई देते होंगे। प्रतिभा दशास्थान उसमें समय प्रदीपान, सिद्धांत विभिन्न सिद्धांत रूपी जो दिवा है उसको संधुक्षयंतम, उसको संधुक्षयंतम का मतलब है दोनों उंगलियों से सीधे करते हुए विज्ञान रूपी जो कल्पद्रुम पल्लवाभम, विज्ञानम ऐसा ज्ञान द एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज कहते हैं ना, उसको कल्पद्रुम पल्लवाभम, कल्पद्रुम के पल्लव किसले नए नए पत्ते जैसे शोभा देने वाले जो व्याख्यान मुद्रा से मधुर आपका जो करारविंद है उसको हम सदा के लिए संचिंतयामी, सम्यक चिंतयामी यानी ऐसा अनवरत चिंतन करते हैं, ऐसा भाव इस श्लोक के लिए खुलता है। देखिए फिर से एक बार श्लोक को पढ़ता हूँ, क्योंकि एकदम सुंदर उत्प्रेक्षा है कि ये शायद और अज्ञान रूपी अज्ञानी लोगों को भी मेधा रूपी जो सिद्धांतार्थ में मेधा को बढ़ाने के लिए और उनकी जो दशा है उनके बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने के लिए शायद ये व्यापार है दोनों उंगलियों से करते हैं। जो हम सामान्य रूप से दिवा प्रकट करते वक्त दिवेट को हम अपने दोनों उंगलियों से सीधा करते हैं और उसमें तैल धारा को तैल को भी उसमें प्रवाहित करते हैं, उसी प्रकार का काम शायद ये व्याख्यान मुद्रा के वजह से जो सुंदर दिखाई देने वाला कल्पवृक्ष के पत्तों के समान, नए पत्तों के समान बहुत आभा शोभा रखने वाला ये जो हाथ है चरण करारविंद है उसको मैं सदा के लिए ध्यान करता हूँ। यानी इतना सुंदर भाव खुलने वाला यह श्लोक इस प्रकार है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। संचिंतयामि प्रतिभा दशास्थान संधुक्षयंतम समय प्रदीपान विज्ञान कल्पद्रुम पल्लवाभम व्याख्यान मुद्रा मधुरम करम ते। आगे का श्लोक है और दो श्लोक करने से यह श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। चित्ते करोमि स्फुरिताक्षमालं सव्येतरं नाथकरं त्वदीयं ज्ञानामृतोदञ्चनलं पटानां लीलाघटी यंत्रमिवाश्रितानां। चित्ते करोमि
चित्ते करोमि स्फुरिताक्षमालं सव्येतरं नाथ करं त्वदीयं ज्ञानामृतोदञ्चनलं पटानां लीलाघटीयंत्रं इव आश्रितानां, ऐसा पदच्छेद करना चाहिए। हे नाथ, हे स्वामिन, स्फुरिताक्षमालं, आपके इसमें इसमें भी एकदम बहुत सुंदर भाव खुलता है, एक अत्यद्भुत उत्प्रेक्षा भी है। और देखिए कि भगवान वेदांत देशिक जी हयग्रीव भगवान के स्तुति में एकदम मन लगाकर ध्यान से, और ध्यान करते हुए भी ध्यान से शब्दों का प्रयोग करते हैं, अर्थात हयग्रीव भगवान की कृपा अपार मिला है कि शब्दों का चयन भी इतना सुंदर, भावों का चयन भी इतना सुंदर, शब्दों के द्वारा जो भाव खुलता है उसमें भी एक खूबी, अर्थात महाकवि के बारे में ध्वनियालोक में आनंदवर्धन जी कहते हैं, उस शब्द को और उस अर्थ को सदा के लिए ध्यान में रखें जो व्यंग्यार्थ को स्फुरित करने वाला और व्यंग्य अर्थ को बाहर लाने के लिए अपेक्षित शब्दों की राशि, इन दोनों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तमर्थ, उस अर्थ को बताने वाला शब्द और उस अर्थ, दोनों में यत्नवान होना चाहिए कवियों के लिए, सदा के लिए। कवि अगर महाकवित्व को चाहते हैं तो इन शब्द और अर्थ के ऊपर ध्यान दें। जो शब्द व्यंग्यार्थ को बताने में समर्थ हो और व्यंग्यार्थ के ऊपर भी ध्यान कवि दें और उसका सही शब्दों के ऊपर भी पहचान पाए, ऐसा महाकवि की प्रथा तभी मिल सकती है। तौ शब्दार्थ यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवे हे, ऐसा ध्वनियालोक में आनंदवर्धन जी कहते हैं। परंतु सबको पूरा सार्थक बनाते हुए शब्दों का चयन करते हैं श्लोक में। देखिए आप आनंदित हो जाएंगे। चित्ते करोमि, मैं मन में करता हूँ, सदा के लिए मन में क्या चिंतन करता हूँ कि स्फुरिताक्षमालं सव्येतरं ते करम, आपका जो सव्येतर कर है, सव्येतरम याने जो दाहिने हाथ है उसको हम सदा के लिए स्मरण करता हूँ। सव्येतरम करम त्वदीयम करम, हे नाथ, वो कैसा है वो कर, स्फुरिताक्षमालम, अक्षमाला को हाथ में रखते हुए घुमाता रहता है। अक्षमाला को भगवान भी एक अक्षमाला को हाथ में रखते हुए सब भक्तों को एक मार्गदर्शन करते हैं कि मेरे ध्यान करने के लिए आप सब हस्तमाला, हस्त में अक्षमाला रखें, अर्थात पद्माक्षमाला बोलते हैं, जो पद्म के बीजों से बनाया हुआ माला को अक्षमाला कहते हैं। उस अक्षमाला को हाथ में धारण करते हुए हयग्रीव मंत्र का रटन करें और आवृत्ति करें ऐसे, इसलिए 108 अक्ष मणि से निर्मित जो माला है उसे भगवान हाथ में रखते हैं, और ऐसा हाथ को हम स्मरण करते हैं जो ज्ञानामृतोदंचन लंपटानाम, ज्ञान रूपी अमृत को बाहर लाने के लिए महान प्रयत्न करने वाले जो बुद्धिमान लोग हैं। ज्ञान अमृत उदंचन लंपटानाम, ज्ञान रूपी अमृत को बाहर निकालने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए क्या है, गांवों में अगर कुआं से पानी बाहर निकालना है तो प्राचीन एक पद्धति थी जो उसे कहते हैं लीला घटी यंत्रम, यानी घटी यंत्र शब्द से बोला जाता था। एक बार उसमें पानी लेने के लिए जाएगा तो बाद में वो बाहर निकाल के फेंकेगा, तो उसमें बीच में घटी यंत्र जैसा, और घटी यंत्र यानी जैसे वॉच है वैसा, एक एक स्थान पर भी एक एक घटा जैसा रहेगा, वो एक बार पानी को अंदर से ले लेगा और बाहर आते वक्त उसे बाहर लुटा देगा। तो इस प्रकार का काम करने वाला घटी यंत्र जैसा एक हाला हाथ में माला रखते हुए ज्ञान को, ज्ञान रूपी अमृत को बाहर निकालने के लिए जो चाहते हैं उन लोगों के लिए ये अक्षमाला को आप धारण करते हुए उसे उस अक्षमाला को घुमाते रहते हो, यानी एक ज्ञान रूपी अमृत बाहर निकले तो भक्त लोग उसे पिए और लाभान्वित हो जाएं, शायद इस
ध्यान से वो हाथ में अक्षमाला रखते हैं। ऐसी भावना को अभिव्यक्ति करते हुए ज्ञान की तड़पन रखने वाले लोगों के लिए भगवान इस घटी यंत्र के समान अपने ज्ञान की पिपासा को, लोगों के ज्ञान पिपासा को बुझाते हुए नजर आते हैं अपने ध्यान में। वेदांत देशिक जी के लिए चित्ते करोमि स्फुरिताक्षमालम सव्येतरम नाथकरम त्वदीयम ज्ञानामृतोदंचनलम पटानाम लीला घटी यंत्रमिव आश्रितानाम। आश्रितानाम जो भगवान के आश्रय करते हैं उन्हीं के लिए, और जो दो 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 योग्यता पादक तत्व भक्तों के पास क्या योग्यता है इस ज्ञानामृत को पीने के लिए, कि एक है वो उसमें लंपटता चाहिए, उसमें तत्परता चाहिए और वो ललायित होना चाहिए कि वो कैसे प्राप्त करें, ऐसा तड़पन रखना चाहिए। वो एक उपाधि है, एक योग्यता पादक तत्व है। दूसरी योग्यता पादक तत्व है आश्रित होना चाहिए, उनके उनके दिव्य चरणारविंद में आश्रय पाना है, उनके पास शरणागति करनी चाहिए, तभी ज्ञान पिपासा बुझेगी। तो उसके लिए दो काम चाहिए, एक तो ज्ञान पिपासा के लिए तत्परता रखनी चाहिए और दूसरा है भगवान के चरणारविंद में शरणागति करनी चाहिए। ये दोनों काम करने वालों को भगवान ज्ञान पिपासा को बुझाने के लिए अक्षमाला को हाथ में रखते हैं, जो घटी यंत्र का काम, लीला घटी यंत्र का काम, जैसे इरिगेशन के लिए प्राचीन समय में जो पद्धति थी उसी प्रकार हम ज्ञान पिपासा लोगों को अमृतपान पिलाने वाला तत्व जो अक्षमाला का के रूप से नजर आता है, और बहुत सुंदर कल्पना है। चित्ते करोमि स्फुरिताक्षमालम सव्येतरम नाथकरम त्वदीयम ज्ञानामृतोदंचन लंपटानाम लीला घटी यंत्रमिव आश्रितानाम। लंपटता यानी तत्परता और तड़पन, इसी को लंपट शब्द से कहते हैं। अरे तो हम तो धन लंपट तो रहते ही हैं, धन पाने के लिए बहुत काम करते ही रहते हैं, वैसा ज्ञान पाने के लिए भी तो लंपटता होनी चाहिए। कि इसलिए इस श्लोक में ज्ञानामृत उदंचन है, ज्ञान रूपी अमृत को बाहर निकालने के लिए जो लंपट रहते हैं, ऐसा लंपटता बताई गई। पर आखिर का श्लोक है, पांचवा श्लोक है आज इस श्रृंखला की। प्रबोध सिंधोर अरुणै प्रकाशैहि प्रवाल संघातमिवोद्वहन्तम् विभावये देव सपुस्तकम् ते वामं करं दक्षिणमाश्रितानाम्। देखिए एक भी दो दो हाथों का वर्णन हो चुका है। एक में तो किंकरालंकरणोचितानाम शब्द से संचिंतयामी प्रतिपादशास्तान श्लोक में एक कर की बात हुई, और चित्तों के चित्ते करोमि स्फुरिताक्षमालम में दूसरा एक हाथ की कल्पना हुई, हाथ की हाथ का वर्णन हुआ। अभी तीसरा है प्रबोध सिंधो हो अरुणैहि प्रकाशैहि प्रवाल संघातम इव उद्वहन्तम विभावये देव सपुस्तकम ते वामं करम दक्षिणम आश्रितानाम। ऐसा श्लोक है। इसमें एक विरोधाभास भी है। दक्षिणम शब्द का मतलब है सामर्थ्यशाली, ऐसा मतलब है। वामं करम है यानी बाहे हाथ है, परंतु दक्षिण है का मतलब है, दक्षिण का मतलब है समर्थ, ऐसा दूसरा मतलब है। यानी भले राइट हैंड है लेफ्ट हैंड है ऐसा बोलने में मतलब नहीं है, परस्पर विरुद्ध हो जाएगा। ये राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड की बात हो रही है, दक्षिणम भी आ रहा है वामम भी आ रहा है। तो वामम बट दक्षिणम का मतलब है, दक्षिणम का दूसरा मतलब है सामर्थ्यशाली। किसमें सामर्थ्यशाली है वो हाथ, उसे कहते हैं आश्रितानाम दक्षिणम। आश्रितों की बाबत में अपने चरणारविंद में जो आश्रय पाए हैं ऐसे लोगों को सब ज्ञान प्रदान करने में समर्थ सामर्थ्य रखने वाला जो स्फुरत करम सपुस्तकम ते करम सपुस्तकम ते सपुस्तकम पुस्तक को हाथ में रखने वाला जो जो वामम करम यानी लेफ्ट हैंड है उसे विभावये उसको ध्यान करते हैं, ऐसा उल्लेख करते हैं। इसमें वो एक विशेषण शब्द देखिए, हे देव हे भगवन हयग्रीव अरुणैहि प्रकाशैहि, जो तुम्हारा ये जो वाम हाथ वामम करम बाह्य हाथ है वो अरुणैहि प्रकाशैहि रेडिश एक प्रकाश है, वो एकदम रेडिश दिखाई देता है। क्यों? कि प्रबोध रूपी ज्ञान रूपी समंदर से
प्रवाल अर्थात प्रवाल का मतलब है एक रेड रहने वाला रत्न है, नवरत्नों में एक है, उस प्रवाल संघातम और उस रेडिश रहने वाला जो रत्न है उसको बाहर निकालने वाला, संघातम उद्वहंतम, और उसको बाहर ला रहा है, ऐसा शायद मानो ऐसा रेडिश है हाथ। हाथ क्यों रेडिश है कि ज्ञान रूपी रत्नों को बाहर निकाल के ला रहा है, इसलिए रेडिश है। ऐसे आश्रितानाम दक्षिणम, आश्रितों की बाबत में वो भले वाम होते हुए भी दक्षिण है, ऐसे जो हाथ है सपुस्तकम ते वामम करम, पुस्तक को हाथ में रखने वाला आपका जो लेफ्ट हैंड है उसे विभाव ये ध्यान करता हूँ, ऐसा श्लोक है। अन्वय इस प्रकार कहना चाहिए, देव अरुण ही प्रकाश ही प्रबोध सिंधो हो ज्ञान रूपी समंदर से प्रवाल संघातम उद्वहंतम, प्रवाल रूपी जो रत्नों को रत्नों का एक समूह को बाहर निकालने वाला जिसकी वजह से वो रेडिश दिखाई देता हो, इसलिए आशितानाम दक्षिणम, आशितों के बाबत में दक्षिण समर्थ प्रदान करने में समर्थ सपुस्तक जो आपका वामम करम, वामम करम कैसे दक्षिणम हुआ, ऐसा विरोधाभास विरोध है, विरोध आभास है, ऊपर से देखने के लिए विरोध दिखता है, परंतु दक्षिणम का मतलब दूसरा मतलब कह दें समर्थ ऐसा कि विरोध उपशमन हो जाता है, इसलिए विरोधाभास आपातः देखने के लिए विरोध है, वस्तुतः विरोध नहीं है, यही विरोधाभास अलंकार का सत्यता है कि सत्यता है। वामम करम ऐसा आपका जो बाह्य हाथ है उसे विभाव ये उसे ध्यान करते हैं, ऐसी भाव इस अर्थ श्लोक को निकलता है। फिर से एक बार श्लोक पढ़ेंगे प्रबोध सिंधोर अरुण प्रकाश ही प्रवाल संघातमिवोद्वहंतम विभाव ये देव सपुस्तकम ते वामम करम दक्षिणमाश्रितानाम। अवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।